इधर लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस अब संगठन की मजबूती में जुट गई है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने प्रदेश के सभी बूथों की रिपोर्ट मांगी है और इन रिपोर्टों के आधार पर ही कांग्रेस संगठन में बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों पीसीसी में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सभी पदाधिकारियों को जनता के बीच जाने के निर्देश दिए थे। वहीं अब 8 और 9 जून को पीसीसी चीफ सचिन पायलट जालौर, सिरोही और पाली जिलों के दौरे पर रहेंगे। पायलट एक बार फिर से संगठन की मजबूती के प्रयास में अब पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इस मौके पर पायलट ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। गौरतलब है कि राज्य की 2 सीटों नागौर और मांडवा में उपचुनाव होने हैं। ये दोनों सीटें हनुमान बेनीवाल और नरेंद्र कुमार के लोकसभा में चुने जाने के बाद खाली हुई हैं। में कितनी वोट मिली, क्या कारण रहे, तो बूथ लेवल तक हम लोग 50,000 बूथ हैं उसका हम लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसका फिर सर्वे करने के बाद किसी परिणाम पे पहुंचेंगे। लेकिन देश भर में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद से काफ़ी कम सीटें मिली हैं, चिंता का विषय निश्चित रूप से है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत बड़ी बात बोली है, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी वो लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि और अंदर तानखाने तक इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसका आकलन कर विश्लेषण करके जल्द से जल्द हम लोग एक नया रोड मैप तैयार करेंगे। राजस्थान में बहुत जल्द नगर निकाय में चुनाव है, उसके लिए तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने चालू कर दी हैं, नेताओं से हम लगातार मिल रहे हैं और अब बहुत जल्द 2 विधानसभा के उपचुनाव होंगे, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी